इस एपिसोड में हम हाइड्रोलिक वाल्व और सर्किट के सिलेक्शन के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ सिलेंडर्स के पोजीशन, उसके लोड, ऑपरेशन और स्पीड, इस सब के आधार पर जो सर्किट बनती है या वाल्व के सिलेक्शन होते हैं, उस आधार पर मैं एक छोटी सी सर्किट बना रहा हूँ। इसमें देखेंगे सिलेंडर के तीन पोजीशन है, एक वर्टिकल जिसको भी नाम देते हैं, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया इंक्लाइन। तीन पोजीशन है। अब तीनों में हम पहले एक का सर्किट हम बनाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी सर्किट और वाल्व सिलेक्शन कैसे होती है। मैं आपको अब एक सर्किट बना रहा हूँ। जैसे कि ये सिलेंडर वर्टिकल है, तो वर्टिकल सिलेंडर के लिए मैंने इस पोर्शन को इससे जोड़ दिया और इस पोर्शन को मैंने इससे जोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि इनका अगर ऑपरेशन में इनके वाल्व सिलेक्शन करने हैं, सपोज ये 20 टन हैवी वजन को उठाता है जिसका वेट है 20 टन, इसका मतलब है वो हैवी वेट उठा रहा है, तो हमें उसी हिसाब से, और इसका पोजीशन वर्टिकल है, तो हमें जो सर्किट का जो सिलेक्शन है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा कि सर्किट कैसे हो, वाल्व का पोजीशन क्या हो, सेफ्टी फैक्टर क्या होने चाहिए, इन सारे आधार पर वाल्व के सिलेक्शन होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक सिलेंडर बनाई है, एक वाल्व लिया है, एक सेट ऑफ वाल्व, लेकिन अब मैं इसमें वाल्व का क्या किस टाइप का वर्टिकल ऑपरेशन है, सिलेंडर ही ऑपरेट हो रहा है जिसके पे जो सिलेंडर है वो 20 टन की कैपेसिटी उठा वेट के लिए है, इसका मतलब क्लियर हुआ है कि सिलेंडर के साइज बड़ा होंगे, तो सिलेंडर का सपोज बोर्ड जो है वो 200 mm का है, और रॉड जो उसकी साइज है वो सपोज 110 mm की है, और स्ट्रोक 1050 का है, ये क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पहले क्या क्या जरूरी है। अब सपोज आपको सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है तो हमें स्पीड की भी जरूरत होगी, स्पीड भी मेंटेन होने चाहिए। सेकंड चीज फिर सिलेंडर की सेफ्टी के लिए, सिलेंडर पे इधर तो लोड नहीं आएगा लेकिन सिलेंडर पे इधर ऑयल का जब कॉयल लोड होगी तो इधर लोड ज़्यादा आएगा, तो हमें एक रिलीव वाल्व की जरूरत पड़ेगी जो इसके बैक प्रेशर को या यहाँ होने वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर को होल्ड करे, एक रिलीव वाल्व की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड चीज स्पीड की तो बात हो गई, रिलीव वाल्व की बात हो गई, अब हमें ये भी देखना है कि इसमें कितना प्रेशर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भी प्रेशर की जरूरत नहीं है या कम प्रेशर की जरूरत है, तो हमें कंट्रोल्ड प्रेशर चाहिए, तो कंट्रोल प्रेशर के लिए हमें फिर एक रेगुलेटर वाल्व की जरूरत पड़ेगी जिसको हम रिड्यूसिंग वाल्व कहते हैं। तो ये हो गया। अब हमें डीसी वाल्व में हमें देखना पड़ेगा कि डीसी वाल्व हमें इस टाइप का फ्लॉट टाइप का चाहिए, या जैसे फ्लॉट टाइप का मतलब हो गया आपको इस टाइप का वाल्व चाहिए, या क्लोज टाइप का वाल्व चाहिए, या हमें टेंडम वाल्व चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें वाल्व के डिजाइन के समय हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि एक्चुअली हम सिलेक्शन कैसे करें। तो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ एक रिलीव वाल्व लगा दिया, क्योंकि ऑयल इसमें जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगी, और कॉयल लोड होने पे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ रिलीव वाल्व लगा दी। अभी सेटिंग तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैंने एक प्रिडिक्शन किया है, इस आधार पे मैंने वाल्व का भी सर्किट पे डिजाइन किया है। अब आगे मैं सेकेंड देखता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या, और अभी स्पीड भी मुझे कंट्रोल करनी है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए मैंने एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाने जा रहा हूँ, फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है फ्लो कंट्रोल वाल्व किस टाइप के हों, क्या मीटर इन मीटर आउट। मीटर इन का मतलब होता है कि जिसमें सिलेंडर में ऑयल जाता हो, सिलेंडर में ऑयल जा रहा है तो इसमें कंट्रोल्ड ऑयल अगर जाता है तो मीटर इन हुआ, और अगर आउट होते समय इधर से ऑयल निकल रहा है और फिर यहाँ हम अगर कंट्रोल करें
जैसे ऑयल यहाँ जा सिलेंडर में जा रहा है, और तो हम अगर उस ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो ये मीटर इन हुआ, लेकिन अगर ऑयल इसमें जा रहा है और यहाँ से जब ऑयल निकल रही तब इसकी स्पीड को, ऑयल के फ्लो को हम फ्रीली नहीं निकलने देते, रिस्ट्रिक्ट करके निकलते। जब ऑयल फ्री नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी भी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, तो इसको मीटर आउट कहते हैं। लेकिन हर ऑपरेशन में डिपेंड करता है कि हम इनपुट को कंट्रोल करें या आउटपुट को कंट्रोल करें। ये मैं आगे इस पर बात करूंगा आपसे। अभी मैंने यहाँ पर आपको जो फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ कर रहा हूँ, मैं मीटर आउट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो ऑयल NRV से होते हुए या सिलेंडर में चली जाएगी, तो मतलब ये इनपुट कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब मैं इसको आउटपुट कंट्रोल करूँगा। आउटपुट कंट्रोल करने के लिए फिर मैंने फ्लो कंट्रोल वाल्व सेम उसी डायरेक्शन की लगेगी। जब देखेंगे ऑयल इसमें जा रहा है, लेकिन इधर की ऑयल निकलते समय इसके द्वारा निकलेगा, इसके द्वारा नहीं निकलेगा, तो जितना हम इसका रास्ता ओपन करेंगे उसी के हिसाब से ऑयल निकलेगी। जब ऑयल इधर की बहुत कम स्पीड से या ज़्यादा फ्लो से निकलेगी, तो उसी के अनुसार से सिलेंडर की स्पीड कम ज़्यादा होगा। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ तो रिली वाल्व लगा दी थी, फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया। फ्लो कंट्रोल वाल्व जो आउटपुट आउटलेट में कंट्रोल होता है, ये मैंने सिस्टम लगा दी, और इन दोनों के बीच में मैंने भी लगा दिया सेफ्टी के लिए, चूंकि यहाँ सिलेंडर पे लोड आता है तो फ्लो कंट्रोल वाल्व पे डायरेक्ट लोड ना आए, इसके लिए मैंने एक सेफ्टी अरेंजमेंट किया है। जैसे कि मैंने यहाँ चेक वाल्व लगा दिया है कि सपोज ऑयल अगर कोई लोड हो या कोई बैक प्रेशर हो तो चेक फ्लो कंट्रोल वाल्व डिस्टर्ब नहीं हो, मैंने इसलिए चेक वाल्व लगा दिया है। लेकिन ये चेक वाल्व सपोज मैंने तो लगा दिया, इसमें इस इनपुट से तो ऑयल चला जाएगा, लेकिन जब ये पोर्शन ऑपरेट होगा तो फिर ये वाल्व ऑयल को जाने नहीं देगा, तो इसलिए हमने हमें एक पायलट ऑयल देना पड़ेगा। एक्स मतलब अगर इधर से ऑयल जा रही है तो ये ऑयल एक्स ये चेक वाल्व को ओपन कर देगा। चेक वाल्व को ओपन करने के बाद ये जो ऑयल है ये आराम से ये फ्लो कंट्रोल द्वारा होते हुए ऐसे आकर के वाल्व की तरफ चली जाएगी। अब जनरली मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का वाल्व यूज किया, जनरली क्लोज टाइप का वाल्व मैंने नहीं यूज किया, मैंने क्लोज टाइप का वाल्व यूज नहीं किया है। लोगों का कहना होता है कि वर्टिकल सिलेंडर है, हैवी लोड है, तो क्लोज टाइप का वाल्व यूज होता है। इस मैंने बताया था कि सारी डिपेंड्स करती है लोड के ऊपर। ऑलरेडी जब मैंने यहाँ चेक वाल्व दे दिया है इसके यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ क्लोज टाइप के वाल्व की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ इस टाइप का वाल्व दे दिया, सपोज अगर सप्लाई बंद हो गई तो क्या होगा, ऑयल ये सिलेंडर की ऑयल यहाँ रुक जाएगी, सिलेंडर उसी पोजिशन पर रह जाएगा और डाउन ही नहीं होगी। और इस वाल्व का एक फायदा ये होता है कि अगर किसी तरीके से यहाँ और यहाँ पे ऑयल का दबाव है, लाइन तो बंद हो गई, इधर में सिलेंडर का वजन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, डाउनवर्ड रहेगी, तो उस दौरान ये चेक वाल्व इसको होल्ड करके रखेगा। एक्सटर्नल बहुत ज्यादा कोई प्रेशराइज्ड ऑयल है वो हल्का सा ड्रेन हो जाएगा, और लाइन अगर बंद हो गई या सप्लाई बंद हो गई है तो उस दौरान सिलेंडर का जो पोजिशन है वहीं पे होल्ड रह जाएगा, वहीं पे होल्ड रह जाएगा। और इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक और इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक का जो भी ऑयल है वो टी को कनेक्ट हो जाएगा, जिससे वाल्व के ऊपर दबाव नहीं रहेगा, और वाल्व के इंटरनल दबाव नहीं होने से वाल्व में इंटरनल लीकेज के चांसेस कम होते हैं। जबकि क्लोज टाइप वाल्व में क्या होता है कि अगर आपने क्लोज टाइप भी दे दिया, और इसमें होता है कि काम कुछ टाइम तक काम करता है, लेकिन एक टाइमिंग के बाद वाल्व में इंटरनल लीकेज हो जाते हैं क्योंकि वाल्व पे दबाव आता है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा दिया है, क्योंकि पंप जो है वो 100 kg प्रेशर बना रहा है। पंप 100 bar प्रेशर है, 100 bar प्रेशर है, और हमारी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 75 bar ऑयल चाहिए, तो इसलिए हमने रिड्यूसिंग वाल्व को सेट कर दिया 75, जिसको रेगुलेटर कहते हैं। अब इससे ज़्यादा ऑयल को जाने नहीं देगा,
जैसे ही ये पोर्शन ऑपरेट होगा, ये पोर्शन ऑपरेट होगा तो ऑयल ऐसे होते हुए, इस तरह होते हुए ऑयल आएगी और इस तरह ऑपरेट होगी। देखेंगे आप, जैसे ही वाल्व ऑपरेट होगा तो ऐसी ऑयल आएगी और ऐसे होते हुए इस चेक वाल्व को ओपन करेगा, फिर ऐसा होते हुए इस चेक वाल्व को ओपन करते हुए फिर सिलेंडर में ऑयल चली जाएगी, ऑयल चली जाएगी। लेकिन इधर की जो ऑयल है वो ऑयल फिर आप देखेंगे, ये ऑयल जो है यह ऐसे आएगी आती हुई और फिर ये फ्लो कंट्रोल से निकलेगी, क्योंकि यहाँ चेक ओपन इसको निकलने नहीं देगा, तो ये स्पीड को कंट्रोल करके फिर ऑयल को इस वाल्व का द्वारा इस ऐसे होते हुए और फिर इसके द्वारा होते हुए और आपको देखेंगे कि फिर ये टी इस तरह से इसको कनेक्ट होगी और इस तरह ऑयल रिटर्न होगी। मतलब ये ऑयल ऐसे आकर के ऐसे आएगी और ऐसे करके ये टी को रिटर्न होगी। कभी कभी किसी वाल्व में आप देखेंगे लास्ट में किसी वाल्व में छोटा सा एक यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे चेक वाल्व दे देता है ताकि ऑयल एकदम से फ्री रिटर्न ना हो। अगर फ्री रिटर्न होगा तो स्पीड में वेरिएशन आएगी, इसलिए यहाँ पे जनरली 3 बार का या 5 बार का जनरली जो NRV यूज किया जाता है। और ये टैंक को चला जाता है, तो जनरली आप इस चीज को सम। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज अगर मैंने इस क्लोज टाइप का वाल्व लूं तो क्या होगा। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ क्लोज टाइप का वाल्व यूज किया है, पहले फ्लोट टाइप का था। तो आप देखेंगे जब मैंने क्लोज टाइप का वाल्व, जैसे ही सप्लाई बंद होगा तो ये ऑयल अगर सिलेंडर अपनी पोजिशन पर रुक जाएगी, क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया है, वाल बंद हो गया है तो जो ना ऑयल जाएगी ना मूवमेंट होगा और ना ऑयल निकलेगी, तो इसमें चेक वाल्व की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर मैंने क्लोज टाइप का वाल्व लगाया है तो यो इसके क्या बेनिफिट हैं और लगाने क्या जरूरत है, और मैंने लगाया है तो और इस सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ये आप मुझे कॉमेंट में लिख करके बताएंगे तो मैं अच्छी तरह अगली बार आपको समझा पाऊंगा।